नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 800 साल बाद स्थापित हुआ नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। एक महीने बाद आज खुल गया पटना हाईकोर्ट। स्वास्थ्य विभाग में मिशन मोड में होगी 13,000 पदों पर बहाली। अब चलती ट्रेन से दर्ज करवाया जा सकता है FIR, नई व्यवस्था लागू। सुपर 8 में मुकाबले को तैयार भारतीय टीम। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब चलती ट्रेन से दर्ज करवाया जा सकता है FIR, नई व्यवस्था लागू। अब ट्रेन में ऑन बोर्ड FIR की नई व्यवस्था लागू की गई है और इससे यात्रियों को लाभ भी मिलना प्रारंभ हो गया है। पहले अगर चलती ट्रेन पर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती थी तो FIR दर्ज होने में महीनों लग जाते थे। वहीं नई व्यवस्था के तहत ट्रेन में ही तुरंत FIR दर्ज करवाई जा सकती है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर आप चलती ट्रेन में मौजूद एस्कॉर्ट पार्टी को अपनी शिकायत बताकर FIR दर्ज करवा सकते हैं। 800 साल बाद स्थापित हुआ नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 800 सालों के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव एक बार फिर पुनः स्थापित किया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि नए परिसर का निर्माण 455 एकड़ के विशाल भूखंड पर राजगीर की पंच पहाड़ियों में सुमार वैभव गिरी की तलहटी पर किया गया है। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी CM सम्राट चौधरी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों का अवलोकन भी किया था। एक महीने बाद आज खुल गया पटना हाईकोर्ट। गर्मियों की छुट्टियों को लेकर नियमों के अनुसार पटना हाईकोर्ट पिछले एक महीने से बंद कर दिया गया था और कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही थी। वहीं अब कुल एक महीने के बाद पटना हाईकोर्ट को आज खोल दिया गया और न्यायिक कार्य भी आज से शुरू कर दिए गए हैं। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान समर कोर्ट चल रहा था, जिसका समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक था और काम सोमवार से गुरुवार तक किया जा रहा था, लेकिन कोर्ट में इस दौरान कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। वहीं आज से कोर्ट खुलने के बाद सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दोपहर 2:15 से 4:15 तक न्यायिक कार्य होंगे। अनन्या एक्सप्रेस पर पथराव से कई यात्री घायल। मंगलवार को एक बार फिर ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है। मंगलवार की सुबह पटना जिले में फतुहा बांका घाट के बीच अनन्या एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। घटना में ट्रेन गार्ड सहित कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। जानकारी के अनुसार ट्रेन से ले जा रहे अवैध शराब उतारने के दौरान तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी, तभी ट्रेन पर पथराव शुरू कर दिया गया। मामले में थाने में अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि एक हफ्ते के भीतर यह बिहार में ऐसी तीसरी घटना है। स्वास्थ्य विभाग में मिशन मोड में होगी 13,000 पदों पर बहाली। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहीं ऐसे में मंत्रियों द्वारा विभागों की समीक्षा का दौर जारी है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी मंगलवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही समीक्षा के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों के भरने के निर्देश भी दिए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 13,267 रिक्त पदों को अक्टूबर तक मिशन मोड में भरा जाएगा। आयुष डॉक्टर, मेडिकल अफसर, ऑप्थेल्मिक सहायक, स्टाफ नर्स, ANM, लैब टेक्नीशियन, लॉजिस्टिक मैनेजर, ब्लॉक अकाउंटेंट और प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक के पद इन पदों में शामिल हैं। शराब पकड़ने गई उत्पाद विभाग टीम पर हुआ पथराव, 5 जवान घायल। मंगलवार की देर रात बांका के फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र में छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफियाओं द्वारा ईंट पत्थरों से हमला किया गया, जिसमें उत्पाद विभाग टीम के 5 पुलिसकर्मी के जख्मी होने की खबर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब माफियाओं की टोली द्वारा दोबरदहा में उत्पाद टीम की गाड़ी को आगे से रोक लिया गया और पथराव किया गया। पथराव की वजह से ड्राइवर के घायल हो जाने के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जाकर टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं सभी 5 घायल पुलिसकर्मी का बांका सदर अस्पताल में उपचार किया जा रहा है, जबकि सबसे अधिक चोट ड्राइवर को लगी है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। CM नीतीश ने नालंदा विश्वविद्यालय को बताया बिहार का गौरव।
आज बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया। वहीं कैंपस के उद्घाटन के मौके पर सीएम नीतीश ने कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को बिहार का गौरव बताया है और साथ ही पीएम मोदी को कैंपस के उद्घाटन करने के लिए आभार जताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हो रहा है। बारिश की कमी की वजह से भीषण गर्मी की चपेट में बिहार। बारिश के कमी के कारण बिहार इस बार भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश की कमी की वजह से प्रदेश का अधिकांश हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। जून में अब तक 72% कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि प्री मानसून अवधि में 20 जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से कम रहा। वहीं पटना समेत 17 जिलों में जून में बारिश की कमी का आंकड़ा 99% तक पहुँच गया है। सरकारी खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का, सीएम नीतीश ने समीक्षा के दौरान दिए निर्देश। बिहार को हर साल बाढ़ के आतंक को झेलना पड़ता है, जिससे निपटने के लिए सरकारी तैयारियां पहले से ही शुरू की जाती हैं। वहीं इस साल भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा संभावित बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों की समीक्षा ली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और संबंध विभाग को सतर्क रहने और प्रभावितों को हर संभव मदद देने के आदेश दिए हैं। वहीं अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। इस साल 690 अंक लाने पर भी पीएमसीएच में एडमिशन मुश्किल। इस साल के नीट परीक्षा का रिजल्ट हर साल से अलग है और इस वजह से कॉलेज चुनने के लिए काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को काफी सोच विचार करना पड़ रहा है। पिछली बार जहां 651 अंक पर 4245 रैंक आया था, वहीं इस बार 647 अंक लाने पर 32047 रैंक मिला है। ऐसे में 650 अंक जो नीट परीक्षा में बेहतर अंक माना जाता था, वह काफी कमजोर हो गया है। ऐसे में इस बार पीएमसीएच में भी काउंसलिंग को लेकर मेरिट हाई जा रही है। इस साल उन्हीं छात्रों को पीएमसीएच में एडमिशन मिल पाएगा जिनके मार्क्स 690 अंक से ऊपर हों। नेपाल में बारिश से उफनाई बकरा नदी, बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित। एक तरफ जहां पूरा बिहार भीषण गर्मी की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी बिहार के अररिया जिले में बहने वाली बकरा नदी इन दिनों बाढ़ का कहर बरपा रही है। नेपाल के तराई क्षेत्र में होने वाली भीषण बारिश की वजह से देर रात वहां से पानी छोड़ दिया गया और पानी की अधिकता के कारण प्लासी प्रखंड से होकर बहने वाली बकरा नदी में अचानक उफान आ गया। तेज बहाव के कारण बकरा नदी के जलस्तर में अचानक तहासा बढ़ोतरी हो गई है और निचले इलाके के आधा दर्जन गांव को इसने अपने जद में ले लिया है। नीट पेपर लीक मामले में आज फिर से होगी पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू द्वारा की जा रही जांच में अब नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। पहले माफियाओं के पास 11 अभ्यर्थियों के रोल नंबर और रोल कोड मिले थे, जिनमें से दो को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। वहीं मंगलवार को 4 अभ्यर्थियों से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ में अभ्यर्थियों के अभिभावकों ने कई नए खुलासे किए हैं। जानकारी के अनुसार अभिभावकों द्वारा पूछताछ के दौरान एक सांसद का नाम लिया गया है। हालांकि अभी तक ईओयू की ओर से सांसद के नाम का खुलासा नहीं किया गया। बहरहाल आज बुधवार को 5 अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को पूछताछ के लिए ईओयू द्वारा बुलाया गया है। सांसद बने चारों विधायकों का इस्तीफा मंजूर। लोकसभा चुनाव में जीतकर विधायक से सांसद बने चारों विधायकों सुधाकर सिंह, जीतन राम मांझी, सुरेंद्र यादव व सुदामा प्रसाद का इस्तीफा मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इसकी जानकारी चुनाव आयोग और लोकसभा को भेज दी गई है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन चार विधायकों ने जीत हासिल की थी और सांसद निर्वाचित हुए थे और नियमानुसार किसी भी विधायक के सांसद चुने जाने के बाद 14 दिनों के अंदर उन्हें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। रुपौली से आरजेडी के सिंबल पर बीमा भारती लड़ेंगी उपचुनाव। रुपौली विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहे उपचुनाव में राजद के टिकट पर बीमा भारती चुनाव लड़ेंगी। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में वो रुपौली से ही जदयू के टिकट पर विधायक चुनी गई थी। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में राजद ने बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा सीट से टिकट दिया था, जिसके बाद बीमा भारती ने जदयू से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि पूर्णिया लोकसभा सीट पर हुए त्रिकोणीय मुकाबले में पप्पू यादव ने बीमा भारती को पराजित कर दिया। वहीं इस बार रुपौली विधानसभा से उपचुनाव में जेडीयू के कलांधर मंडल बीमा भारती के सामने होंगे।
सुपर 8 में मुकाबले को तैयार भारतीय टीम। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 में अब तक अजेय रहकर सुपर 8 में पहुंच चुकी है। वहीं गुरुवार को भारत को केंसिंगटन स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ उतरना है। भले ही भारत सुपर 8 में पहुंच गया हो, मगर भारतीय टीम और खासकर विराट कोहली की बल्लेबाजी अभी तक कोई कमाल नहीं दिखा पाई है। यही वजह है कि भारतीय टीम अभ्यास सत्र में अपना खूब पसीना बहा रही है। मंगलवार को अभ्यास सत्र के दौरान विकेटकीपर ऋषभ पंत के अलावा सभी खिलाड़ी मैदान पर प्रैक्टिस करते नजर आए। वहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव से कुछ मिनट पहले ही नेट पर पहुंचकर प्रैक्टिस करते दिखाई दिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है वेद प्रकाश सिंह, राजकिशोर महतो, नन्नू गोपाल कुमार, गोनर शर्मा, छोटू राजा, राम बाबू दास, बाबुल मरांडी, राकेश मिश्रा, मोहम्मद सागर कमल, विनोद मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, अनवर करीम खान, नौशाद रजा, रंजीत मिश्रा, अनिल कुमार मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस भीषण गर्मी को देखते हुए आप मानसून का इंतजार कर रहे हैं या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।